वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। २०२४ के लोकसभा चुनाव की विसात पर उत्तर प्रदेश की परिधि से आए चुनाव परिणामों ने सूबे की सियासत को टू विंडो सरीखा कर दिया है, या यूं कहिए कि दो खेमों में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसमें एक तरफ अखिलेश यादव की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन है तो दूसरी ओर सीएम योगी और बीजेपी के सहयोगी दल। लोकसभा चुनाव के रण में सपा ने जहां 37 सीटें जीती तो वहीं उनके गठबंधन साथी कांग्रेस के हाथ भी 6 सीटें आई हैं। अब इस परिणाम के पन्ने पलटे तो पता चला कि इसमें 14 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिनकी सभी विधानसभाओं में सपा ने जीत की साइकिल दौड़ाई है। वोट प्रतिशत, जीती हुई सीट और गुणा गणित के हिसाब से देखें तो सपा कांग्रेस गठबंधन करीब 222 सीटों पर भारी पड़ेगा। 2027 के लिए अखिलेश यादव ने तो 300 सीटों का टारगेट भी तय कर दिया है। मैं अपने कार्यकर्ता नेताओं को बधाई देता हूं कि बहुत दिनों बाद ये ऐतिहासिक जीत, और ऐसी जीत कि जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। जहां तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी पहुंची है, वहीं जिम्मेदारी भी समाजवादियों की बढ़ी है। जो सिद्धांत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिया, जिन सिद्धांतों को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लगातार जीवन भर काम किया, नेताजी ने जो संघर्ष किया, उस रास्ते पे हम सब लोग चलेंगे और कोशिश रहेगी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से और मजबूत बनी रहे। वहीं मिशन 80 के बाद भी 33 सीट जीतने वाली बीजेपी के लिए लोकसभा के परिणामों ने बड़े संकेत दिए हैं। इस सब से सबक लेते हुए सख्त हुए सीएम योगी भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। अटकती लटकती भर्ती, पेपर लीक, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ एनकाउंटर और बुलडोजर वाली कार्रवाई भी तेज दिखाई दे रही है। चुनाव बाद पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए कई फैसलों में 2027 का रोड मैप तैयार करने की कवायद है। बीजेपी और सहयोगी दल की सीट और गुणा गणित देखते हुए बीजेपी 155 और सहयोगी दल करीब 15 सीटों पर ही दमदार दिखेगी। ऐसे में कड़ी हो सकती है 2027 की लड़ाई। कि उत्तर प्रदेश में जो प्रत्याशित रिजल्ट है उस पर भी चर्चा हमको लोग होगी, और निश्चित रूप से जो कमियां हैं वो उस पर आएगा, फिर आगे सुधार किया जाएगा, फिर जीत में दर्ज किया जाएगा। विपक्ष ने तो किस तरीके से काम किया है कि इस उत्तर प्रदेश की जनता को किस तरीके धोखे में संविधान बदल दिया जाएगा, 450 एडिट वीडियो चलाया गया, तो इस तरीके से लोगों को भ्रम जाल में दिया है। तो वो अब जनता धीरे धीरे जान रही है, जैसे कांग्रेस के दरवाजे पर फटाफट पैसा देने की बात थी तो लेने आ रही है, तो ये तरीके की जनताओं को जो गुमराह किया है वो जल्दी जनता अब जान रही है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पहुंच। बहरहाल 2027 से पहले वैसे तो हाल में 8 सीटों के उपचुनाव में इम्तिहान है, लेकिन नजर और टारगेट 2027 ही है। सपा और कांग्रेस पर जहां अपना गठबंधन बचाने और ये प्रदर्शन दोहराने का दबाव है, तो वहीं बीजेपी पर इस विधानसभा वाला प्रदर्शन करने का प्रेशर है। वैसे भी बीजेपी के सहयोगी दल अपनी भूमिका इस तरह से नहीं निभा पाए, तो ऐसे में सवाल यही शोर कर रहा है कि क्या 2027 की लड़ाई अब योगी वर्सेस अखिलेश यादव होगी, क्योंकि मायावती इस मैदान में कहीं लड़ाई में है ही नहीं। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।